उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ कावे सेन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना काल में लग्जरी ट्रेनों पर संकट, लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस आज से बंद। दबंग कोटेदार की दबंगाई आई सामने, गरीब परिवार को जमकर मारा पीटा। अज्ञात कारणों से लगी आग, लाखों का कबाड़ जलकर हुआ खाक। और अब खबरें विस्तार से। देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस ट्रेन सोमवार से बंद हो रही है। ट्रेन में यात्रियों की कमी की वजह से इसे अगले आदेश तक बंद किया गया है। IRCTC के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अश्विनी श्रीवास्तव के मुताबिक संक्रमण की वजह से यात्रियों का आवागमन बहुत कम है, जिसकी वजह से तेजस ट्रेन का संचालन अभी फिलहाल के लिए 23 तारीख तक के लिए बंद किया जा रहा है। आगे फिर से इसे कब शुरू करना है यह कुछ दिन बाद तय किया जाएगा। देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस लखनऊ से दिल्ली के बीच चलती है। इसे IRCTC द्वारा चलाया जाता है। इस ट्रेन को पूरी तरह से VIP बनाया गया है। पहले महीने में ही मुनाफा कमाने से तेजस की सफलता काफी बढ़ गई थी। इस बीच वाराणसी से इंदौर के बीच महाकाल एक्सप्रेस का संचालन IRCTC को दे दिया गया था। तेजस एक्सप्रेस ट्रेन के बंद होने के पीछे यात्रियों की संख्या में कमी बताई जा रही है। कोरोना संक्रमण के बीच VIP ट्रेन तेजस एक्सप्रेस में सफर करने के लिए बहुत कम यात्रियों ने बुकिंग कराई है, जिसकी वजह से रेलवे को इस ट्रेन के संचालन से कोई खास आमदनी नहीं हो पा रही है। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से, जहां दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसमें गरीब मजदूरों को दबंगों का क्रोध का भागी बनना पड़ रहा है। ताजा मामला सीतापुर जनपद के थाना मानपुर क्षेत्र के तेंदुआ गांव का है, जहां पर मौजूदा कोटेदार गंगाराम, संजय, दिनेश, जितेंद्र पुत्र गिरधारी चारों लोग ने गरीब मजदूर व्यक्ति व पूरे परिवार की बहु बेटियों को भी नहीं बख्शा था तथा लाठी डंडों से जमकर मारा पीटा। वहीं पीड़ित राकेश कुमार की पत्नी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व में कच्ची शराब की सूचना पुलिस को देने के आरोप में कोटेदार के परिवार वालों ने उसी रंजिश के चलते शराब के नशों में धुत होकर पूरे परिवार की महिलाएं, बच्चों को भी जमकर मारा पीटा, जिसमें राकेश की बुरी तरीके से पिटाई कर दी, जिसकी सीतापुर जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं लिखित तहरीर देने के बावजूद थाना मानपुर में FIR तक दर्ज नहीं की गई। किसी को गिरफ्तार किया गया और लगातार कोटेदार के परिवार वाले धमकियां व गाली दे रहे हैं, जिससे परेशान होकर सीतापुर SP के यहां न्याय की गुहार लगाने पहुंच गए, जहां पर मृत अवस्था में राकेश को लेटा कर SP से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं जब इस संबंध में थाना अध्यक्ष से बात की गई तो थाना अध्यक्ष ने तत्काल पीड़ित के परिजनों से संपर्क करके आगे की कार्रवाई करने को कहा है। लेकर झगड़ा क्या है पूरा मामला? सर, इनके घर में पहले दारू बनत रहा है। हाँ। फिर वही बात कहीं की रंजिश मैया, मतलब इनके घर पकड़ी गए रहे पहले। अच्छा। फिर वही रंजिश मैया हमारे घर वाले कहीं मारे नहीं, खींच के। अच्छा। कहाँ से खींचे हैं? कमरे से नहीं, हमारे खींच के लेके गए। कमरे से खींच ले? कमरे से नहीं, खींच के यहाँ लेके गए हैं, यहाँ रोड पर मारे। कितने लोग थे वो लोग? तमाम रहा है, बहुत जने, से कम 50 मतलब परिवार के तो बहुत लोग रहा, लेकिन मारे 3 लोग हैं। कौन कौन मारे? चार लोग रहे। क्या नाम है उनके? गंगाराम और दिनेश और संजय, जितेंद्र। अच्छा, महिलाओं को भी मारा क्या? जी, इन लोगों को मारा? बिटिया भाई ने खड़ी है, सब लोग खड़े हैं। अच्छा, आपको भी मारा क्या? नहीं नहीं, इनको नहीं। भाई थाने गई थी, क्या हुआ? पुलिस ने क्या? सर, वहाँ पर 3 कंप्लेंट करे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, यहाँ पर कोई देखने नहीं आया। आपके पति की हालत कैसी है? उनकी मरने की स्थिति है। अच्छा, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं, खाते पीते हैं। हाँ, यस, कहते हैं कि हम तुमको एक एक को पकड़ के मारेंगे। आपका नाम? रामदेव। क्या हुआ, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ? ये साहब, उनके दारू बनती थी जी, उस वजह से ने थोड़ा हमारे लोग गुस्सा में पकड़ाई गई, उस रंजिश से मारा गया हमें भाई। अच्छा। हम बाहर थे जी, घर में कोई था नहीं जी, अकेला भाई था। अच्छा। वो लोग घर पे घुस के हमला किए? घर के कमरे से इंच के ले गए सर। अच्छा, आपने तहरीर थाने पे दी, क्या कोई मुकदमा या कोई पुलिस कर्मी आए? नहीं नहीं, कोई भी साहब नहीं आए यहाँ। ऐसा क्यों? 2 दफे मैंने गया थाने को, और कोई भी कहीं, हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं, पकड़ लेंगे, ये है वो, डागडी भी करवाए, विस्मा भेजी,
बिस्वा भेजिन, बिस्वा ले गए सर, कल सीतापुर भेजिन, सीतापुर ले गए, तब भी कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, ये जो आप लोगों को मारा है ये क्या करते हैं? ये साहब कुछ नहीं, ये खेती करते हैं, ये कोटेदार हैं सर। बाड़ा भी इनके मुर्गी फार्म के बाड़ा है ना, ये वजह से और दम गई, और ताल में मछली भी पाले। आपका नाम? हमारा राकेश। खबर गौरखपुर जिले से, जहां बड़हलगंज कोतवाली क्षेत्र के बुढ़नपुरा गांव में अज्ञात कारणों से लगी आग के चलते लाखों का कबाड़ प्लास्टिक जलकर राख हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बताते चले कि गौरखपुर जिले के बड़हलगंज थाना क्षेत्र के नहरपुर गांव निवासी व गांव के वर्तमान प्रधान प्रेमचंद मदेशिया के भाई दीपचंद मदेशिया कबाड़ सामान खरीदने व बेचने का कार्य करते हैं। बुढ़नपुरा हरिजन बस्ती के पास उनका प्लास्टिक कबाड़ का गोदाम है। उसी प्लास्टिक गोदाम में रविवार की शाम 3 बजे अबुझ हाल में आग लग गई। दीपचंद मदेशिया ने बताया कि गोदाम में ताला लगा हुआ था, अचानक आग की लपटें दिखाई देने लगी। हम लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया, सूचा फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। गोदाम में आग लगने से निश्चित रूप से किसी शरारती तत्व का हाथ है। खबर लिखे जाने तक स्थानीय थाने पर कोई तहरीर नहीं पड़ी थी। और अब खबर गोरखपुर से, जहां गोरखनाथ मंदिर स्थित गौशाला में गोपाष्टमी का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर गौशाला में गाय तथा नवजात बछड़े को गुड़ खिलाया गया तथा माला पहनाकर पूजा पाठ आदि किया गया। गौशाला परिसर में कलश तथा दीप जलाकर विधिवत पूजा के बाद हवन किया गया। ग्वाइटा के आग पर हांडी में तैयार जेवना प्रसाद सभी को वितरित किया गया। रामानंद तिवारी मुख्य पुरोहित गोरखनाथ मंदिर ने कहा कि आज का पर्व ऐतिहासिक पर्व है, हम इसे विधि विधान के साथ हर साल मनाते हैं। द्वारका तिवारी मुख्य मैनेजर गोरखधाम मंदिर ने कहा कि हर घर में एक गाय जरूर पालना चाहिए, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रहेंगे, इसके कई फायदे भी हैं और कई तरह के पुण्य भी आपको प्राप्त होंगे गौ सेवा से। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव पशुपालन विभाग द्वारा बताया गया, ये पर्व हर साल विभाग द्वारा विधि विधान तरीके से मनाया जाता है, इसमें सभी लोग खुशी के साथ शामिल होते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से है, जहां बाजार के एक श्रृंगार की दुकान में देर रात 10:30 बजे लगी आग पर सारा सामान जलकर राख हो गया। आपको बताते चले कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण सारा सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी भयंकर थी कि लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, साथ ही लोग पड़ोसी के घर से कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक फायर ब्रिगेड छोटी और बड़ी गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाई। दिवाली एवं छठ पूजा के पर्व पर दुकानों में सामान भरे हुए थे। दुकानदारों का कहना है कि लगभग 10 लाख तक का सामान जलकर राख हो गया। आपके दुकान में आग लगी है, कैसे लगी है? सर ये जो है 60 सर्किट से बिजली से लगा है, उसके बाद में जब नीचे से धुआं ऊपर गया है, उसके बाद जो है हम लोग वहां से नीचे जब देखने लगे कि धुआं ज़्यादा निकल रहा है, तो हम लोग नीचे से पूरा परिवार जो है सीढ़ी के रास्ते ऊपर गए हैं। उसके बाद जान बचा करके दूसरे की छत पर से हम लोग के नीचे उतरे हैं। फिर यहाँ से लोग फ़ोन किए, फायर सर्विस से गाड़ी आई। फायर सर्विस से गाड़ी आने के बाद जो है लोग बुझाने की कोशिश किए, शटर तोड़े, उसके बाद जो है किसी तरह से काबू पाया गया, लेकिन तब तक एकदम सब जल के खाक हो चुका था। उसके अंदर हमारी बाइक भी एक रखी थी, वो भी सब जल गई। किस चीज़ की दुकानें थी आपके पास? सर हमारे यहाँ जो है गिफ्ट आइटम, ज्वेलरी का आइटम, कॉस्मेटिक आइटम और फ्रेमिंग का काम, गीता पेश की पुस्तकें थी सर। 10-12 लाख रुपया, 13 लाख रुपया लगभग सामान था सर उसमें। क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी यहाँ? हाँ सर, फायर ब्रिगेड वाले नाम गांव पता भी लिख करके ले गए हैं। हाँ। कि हमको रिपोर्ट लगाना रहेगा, डीएम को देना रहेगा। आपका नाम क्या है? हेमंत कुमार सनाफ राम भरत। आपके दुकान में आग लगी है, कैसे लगी है? सर ये जो है 60 सर्किट से बिजली से लगा है, उसके बाद में जब नीचे से धुआं ऊपर गया है, उसके बाद जो है हम लोग वहाँ से नीचे जब देखने लगे कि धुआं ज़्यादा निकल रहा है, तो हम लोग नीचे से पूरा परिवार जो है सीढ़ी के रास्ते ऊपर गए हैं। उसके बाद जान बचा करके दूसरे की छत पर से हम लोग के नीचे उतरे हैं। फिर यहाँ से लोग फ़ोन किए, फायर सर्विस से गाड़ी आई। फायर सर्विस से गाड़ी आने के बाद जो है लोग बुझाने की कोशिश किए, शटर तोड़े, उसके बाद जो है किसी तरह से काबू पाया गया, लेकिन तब तक एकदम सब जल
के खाक हो चुका था। उसके अंदर हमारी बाइक भी एक रखी थी, वो भी सब जल गई। किस चीज़ की दुकानें थी आपके पास? सर हमारे यहाँ जो है गिफ्ट आइटम, ज्वेलरी का आइटम, कॉस्मेटिक आइटम और फ्रेमिंग का काम, गीता पेश की पुस्तकें थी। सर 10-12 लाख रुपया, 13 लाख रुपया लगभग सामान था सर उसमें। क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी यहाँ? हाँ सर, फायर ब्रिगेड वाले नाम गाम पता भी लिख करके ले गए हैं कि हमको रिपोर्ट लगाना रहेगा, DM को देना रहेगा। आपका नाम क्या है? हेमंत कुमार सनाफ राम भरत। और फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए DP के न्यूज़। नमस्कार।